तो सबसे बड़े शाही स्नान पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। प्रयागराज के कुंभ मेले में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर शाही स्नान का आयोजन है और इस वक्त कह सकते हैं कि तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक और कह सकते हैं कि अलग अलग रंगों से रंगी ये कुंभ मेले की तस्वीरें हैं जो बसंत पंचमी के अवसर पर दिखाई दे रही हैं, जहां पर शाही स्नान का आयोजन है। और कह सकते हैं कि अखाड़े जहां पर अपने क्रमवार तरीके से शाही स्नान कर रहे हैं, वहीं श्रद्धालुओं का भी सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कह सकते हैं कि आस्था की डुबकी लगाते हुए यहां पर श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं और अखाड़े अपने अपने कह सकते हैं कि क्रमवार तरीके से शाही स्नान कर रहे हैं। तो एक साथ 5 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अलग अलग रंगों से रंगी ये पूरी की पूरी तस्वीरें कुंभ मेले से यहां पर आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि यहां पर बसंत पंचमी के अवसर पर जब शाही स्नान का आयोजन हुआ है तो कह सकते हैं कि एक अद्भुत संयोग यहां पर है, जब कुंभ मेला लगा हुआ है और बसंत पंचमी का पर्व भी आज है, तो इस ये मौका और खास हो जाता है जब संगम के तट पर श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। और इस मौके पर सरस्वती नदी में आस्था की डुबकी लगाने का एक विशेष महत्व है और कह सकते हैं कि गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती के जब संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ता है तो ये तस्वीरें उसकी जीती जागती गवाह हैं। और कह सकते हैं कि सनातन धर्म की परंपरा को निर्वाह करते हुए ये पूरी की पूरी तस्वीर है कुंभ मेले की। और आपको बता दें कि इस खास अवसर पर सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है और साथ ही साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया जाता है। और हमारे साथ सभी संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। पुलकित, इस वक्त क्या कुछ नजारा इस वक्त आप दिखा पाएंगे हमारे दर्शकों को और क्या कुछ खास वहां पर हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए तीसरा शाही स्नान है और अंतिम शाही स्नान है। सबसे पहले हम आपको यहाँ से, इस वक्त हम मौजूद हैं शास्त्री पुल पर मौजूद हैं, यहाँ से हम आपको सीधे ही चलते हैं सेक्टर 16। बाएं हाथ की तरफ अगर हम देखें, गंगा पार करके अगर हम देखें तो वहां पर सेक्टर 16 है और सेक्टर 16 वही सेक्टर है जहां पर इस वक्त जो अखाड़े हैं वहां से निकल रहे हैं शाही स्नान के लिए। तमाम अखाड़े, पेशवाई, संत, महंत, आचार्य वहां पर इस वक्त निकल रहे हैं और पीपा पुल नंबर 4 से वो निकलेंगे। जैसे कि हम अभी आपको तस्वीरों में पूरी कोशिश करेंगे कि तस्वीरों में आपको हम दिखाएं, पीपा पुल जो 4 है आपको बता रहे कि उसपे सिर्फ जो अखाड़े हैं सिर्फ वही वहां से निकल सकते हैं, अखाड़े संत ही वहां से निकल सकते हैं। और बाई हाथ की तरफ से थोड़ा सा, अगर बाई हाथ की तरफ अगर थोड़ा सा मोड़ा जाए कैमरा का, थोड़ा सा दिखाया जाए बाई हाथ की तरफ, तो वहां से सेक्टर 16 से इसी पुल के जरिए जो जितने भी जो अखाड़े हैं वो यहीं से होके गुजरे हैं और बाकी के यहीं से होके गुजरेंगे। अगर फिर दाएं हाथ की तरफ बात की जाए तो यहाँ पे पड़ता है अखाड़ा मार्ग, अखाड़ा मार्ग से होते हुए वो यहाँ से जाते हैं। और आपको बता दें कि पीपा पुल नंबर 4 से अगर थोड़ा सा और आगे देखा जाए तो वहां पर वो पुल है जहां से जब अखाड़े स्नान कर चुके होते हैं, अखाड़े स्नान कर लेते हैं, संत लोग स्नान कर लेते हैं, तो उसके बाद वो उस पुल से निकलते हैं जो पीपा पुल से कुछ पुल आगे, वहां पे पुल बना पीपा पुल 4 से कुछ पुल आगे वो पुल है। अगर हम मेले की अगर बात करें यहाँ पर तो एक अलौकिक तस्वीर आपको इस वक्त नजर आएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग इस वक्त आए हुए हैं जी, और ये अखाड़ा मार्ग की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, देश विदेश दूर दूर से भारत से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और कह सकते हैं कि अखाड़े भी क्रमवार यहाँ पर शाही स्नान कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश भी जुड़े हुए हैं। अवधेश, शाही स्नान का क्रम लगातार जारी है, एक के बाद एक अखाड़े अपनी बारी के हिसाब से शाही स्नान कर रहे हैं, उसमें श्रद्धालु भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस शाही स्नान के बाद अब आगे क्या, अगर मैं प्रयागराज में लगे कुंभ मेले की बात करूं, वहां पर मौजूद अखाड़ों की बात करूं, तो अब आगे क्या कुछ रूपरेखा उनकी ओर से रहने वाली है? बिल्कुल, अगर अखाड़ों की बात करें तो एक बहुत प्रचलित कहावत है अखाड़ों में, कढ़ी पकौड़ा बेसन का, रास्ता नापो स्टेशन का। ये जितने भी संत शाही स्नान करके जा रहे हैं ये अब अपने शिविर में पहुंचेंगे, वहां पर धर्म ध्वजा के नीचे एक विशेष आराधना होगी, पूजा होगी, ध्वजा को लपेटा जाएगा, कढ़ी पकौड़े का आखिरी भोजन होता है अखाड़ों में, और उसके बाद वो अपने अपने शिविरों की तरफ निकल जाते हैं, अपने अपने शहरों की तरफ निकल जाते हैं। हमने संतों की बात की, जरा देखिए श्रद्धालुओं की हम बात कर लेते हैं। तस्वीर देखिए, जो संत यहाँ पर शाही स्नान करने के लिए आए हैं उनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं ये सुबह से ही ऐसे कतारें लगाकर खड़े हैं और सुबह से ही जो इनके इनके दर्शन का क्रम चल रहा है। इधर जरा तस्वीर दिखाएंगे, हमारे साथ स्वामी कैलाशानंद जी महाराज हैं। महाराज जी, आखिरी शाही स्नान है,
ठीक है, बात करने की एक बार कोशिश करेंगे। एक बड़ा भीड़ में घुसपाना थोड़ा सा मुश्किल कई बार हो जाता है, लेकिन ये अग्नि अखाड़े के जो संत हैं वो आ गए। लेकिन देखिए आपको दिखाते हैं, जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही दर्शन के लिए इसी तरीके से खड़े हुए हैं। 6 बजे से अखाड़ों को निकलना था, इन्होंने उससे पहले स्नान कर लिया और अब गंगा स्नान, गंगा दर्शन के बाद ये संतों का स्नान कर रहे हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं। और इसकी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्ता है, क्योंकि कुंभ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें संतों के स्नान का भी एक बड़ा महात्म्य बताया गया है, संतों के दर्शन का एक बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। और उसी महात्म्य के चलते बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो संतों के दर्शन करते। देखिए ये पूरा जो काफिला आ रहा है, ये अग्नि अखाड़े के लोग आ रहे हैं। दरअसल परंपरा ये है कि जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और जो अग्नि अखाड़ा है ये एक साथ स्नान करते हैं। और इसके पीछे परंपरा ये है कि आवाहन अखाड़ा पहला अखाड़ा है जो बना था 6वीं शताब्दी में, लेकिन गुजरात के धौला, धुंधका और वीरम गाँव में इस अखाड़े के खिलाफ एक साजिश हुई और उसके बाद ये अखाड़ा नष्ट हो गया। लेकिन देखिए ये जूना सन्यासिनी अखाड़ा के संत हैं जो स्नान करके आ रहे हैं। माता जी शाही स्नान हो गया, ठीक है, हमें शाही स्नान सब साधवियाँ के संग, सन्यासिनी अखाड़े के संग सब ने हमने स्नान किया, हमें बहुत आनंद है। और मेरी तरफ से जितने भी भक्तजन जहाँ पधारे हैं स्नान के लिए सबको शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद, हर हर महादेव। माता जी मेरा एक प्रश्न और भी है, महिलाएं ज्यादा सन्यासी बनी हैं, उसकी वजह क्या माता जी बनी है? ये उनकी लगन है, जिसने साधु बनना है तो उनकी लगन है, उनका मन है, उनका भाव है, तो साधु बनने का तो भगवान के साथ उनकी लगन लगी तो साधु बन जाते हैं। माता जी जूना सन्यासिनी, जूना सन्यासिनी अखाड़े की बात करें, हाँ हाँ, उसमें जो कढ़ी पकौड़ी की जो परंपरा है वो क्या सन्यासिनी अखाड़े में भी होती है? ये ऐसा है, जब हमारे पहले अपना कुंभ शुरू होता है ना, शुरू होने से पहले हमारे खिचड़ी बनती है, तो लास्ट जब समाप्त होता है तो हमारे कड़ी पकौड़ा बनते हैं। कड़ी पकौड़ा बेसन का, रास्ता पकड़ो टेसन का, तो ऐसे होता है हमारा कड़ी पकौड़ा। आज के शाही स्नान के बाद क्या आप लोग प्रस्थान करेंगे? हम इस जाके सब जलपान होगा, सब खाना पीना होगा और हमें बहुत आनंद आया और आनंद आ रहा है। तो देखिए आनंद आ रहा है और आनंद का ये देखिए क्रम अब किन्नर अखाड़ा गुजर रहा है इस वक्त। तीसरा शाही स्नान किस तरीके की अच्छा। तो देखिए ये किन्नर अखाड़ा, दरअसल किन्नर अखाड़े का विलय हुआ है जूना अखाड़े में और ये एक अहम तस्वीर है कुंभ की। और ये देखिए जो तस्वीर है बहुचरा माता है, किन्नर अखाड़े की इष्ट देवी है, इष्ट देवी की परंपरा किन्नर अखाड़े ने शुरू की थी। और एक और संत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जरूर मिलवाना चाहेंगे क्योंकि उनके सिर पर जिस तरीके से भारी भरकम पगड़ी है वो देखते ही बनती है। तो देखिए सिख संप्रदाय से वो संत आए हैं और एक बार वो उधर से आएंगे तो एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी तस्वीर है और हमारे परंपरा की यही अद्भुत निशानी है कि आपको इस कॉरिडोर में खड़े होकर वो तस्वीरें, वो अनुभव होंगे जो सामान्य तौर पर कहीं नहीं हो सकते। आपने देखा कि 6 साल बाद ऐसी तस्वीरों का नजारा देखने को मिलेगा, एक अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय तस्वीरें। इस वक्त कुंभ मेला क्षेत्र से आप सीधे हम तक पहुंचा रहे हैं और लगातार मैं क्रमवार की बात करूं या शाही स्नान की बात करूं तो कब तक ये पूरा होने की जानकारी है? 4:20 पर शाही स्नान खत्म हो जाएगा, जो आखिरी अखाड़ा है श्री पंचायती निर्मला जो सिख संप्रदाय से जुड़ा अखाड़ा है। 4:20 पर ऑफिशियल जो अखाड़े के स्नान का वक्त है वो तय किया गया है। और बीते 2 शाही स्नान की बात करें तो वक्त से यह स्नान समाप्त हो भी जाता है। सभी अखाड़ों के लिए वक्त निर्धारित है, 45-45 मिनट का टाइम एक अखाड़े को मिलता है और उसी क्रम के हिसाब से ये तमाम जो अखाड़े हैं वो अपना स्नान खत्म करते हैं। आपने देखा भी कि कई बार तो बात हो जाती है लेकिन कई बार उसी वक्त से स्नान हो जाए, ऐसे में अखाड़े महामंडलेश्वर थोड़ा जल्दी में रहते हैं, भागते हुए चले जाते हैं, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो वक्त से अपना स्नान पूरा कर ले ताकि जो अखाड़ा पीछे आ रहा है उसे दिक्कत ना हो। एक तस्वीर राजीव दिखाना बहुत जरूरी है, हमारे साथ एक संत हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी एक मिनट आपसे हम बात करना चाहते हैं, ये आपका अद्भुत स्वरूप है और कुंभ के अलावा ये स्वरूप दिख भी नहीं सकता, थोड़ा सा आगे आ जाइए, पूरा देश आपको देखना चाहता है, आप कहाँ से आए महाराज जी? हम पंजाब से। तो महाराज जी ये अद्भुत स्वरूप जो आपने बनाया आपके किसी साधना का हिस्सा है? हम फौज है महाराज जी। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी लाडली फौज न्यांग सिंह जी। महाराज जी इतना आपका जो भारी भरकम पगड़ी इससे कोई दिक्कत नहीं होती? वाहेगुरु दिगत गुरु नानक होने नहीं देता जी, गुरु नानक की इतनी मेहर है
तो आप हर कुंभ में आते हैं क्या महाराज जी? देखो अगली बार आए कि नहीं आए ख्याल भूल गया, ऐद की आए हैं। हर हर तो महादेव। आप किसी अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं, आप स्वतंत्र बस साधना करते हैं? सबसे रखते हैं जी, सबसे प्रेम करते हैं। तो क्या कुंभ स्नान करने के लिए विशेष तौर से आया पंजाब से? और कुंभ के अलावा फिर कहाँ पर आपसे? हम रमता रहते हैं। रमता रहते हैं चक्रवर्ती रहते हैं। बिल्कुल आपका स्वरूप अद्भुत महाराज जी, भक्तों को कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। सब वाहेगुरु चढ़ती कलर। धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए ये भी एक स्वरूप है कुंभ का, और देखिए आप इतनी इस भव्य स्वरूप को शायद आप कुंभ के अलावा कहीं दर्शन कर भी नहीं पाएंगे। तो ये एक पूरा इस तरह के रंग आप कह सकते हैं कि आपको कुंभ मेले में ही दिखाई देंगे, एक जगह पर ही दिखाई देंगे।